ड्राई चिकन चिली, उसके लिए हमें चाहिए तीन कांदा लीजिए, दो भरी शिमला मिर्च, बहुत ज़्यादा लहसुन और एक अदरक का टुकड़ा, हरा प्याज की पत्तियाँ रखनी है सजावट के लिए, आधा किलो बोनलेस चिकन, दो स्पून वाइट विनेगर एंड चार स्पून डार्क सोया सॉस। यह है कॉर्नफ्लोर तीन भरे चम्मच। कांदे को इस तरह से क्यूब्स में काटना है और उसके स्लाइसेस इस तरह से अलग अलग करके रखना है। कैप्सिकम के क्यूब्स अच्छी तरह से बना के अलग रखना है काट के। ये लहसुन को अच्छी तरह से कटिंग करना है, एक बार फाइन चॉप भी नहीं रहना चाहिए, विजिबल रहना चाहिए, दिखने आना चाहिए लहसुन जब आप ग्रेवी में डालेंगे तो। इसी तरह अदरक को भी काटना है, विजिबल रहना चाहिए वो भी। ये हरा प्याज को राउंड में ही कटिंग करेंगे, व्हाइट उसका अलग करना है और जो ग्रीन्स हैं वो अलग रखने हैं सजावट के लिए। हरी मिर्च को सिर्फ स्लाइस करना है, कटिंग नहीं करनी, चॉपिंग नहीं करनी। अच्छी तरह साफ करके धो के उसको फोक की मदद से थोड़ा होल्स कर देंगे जैसे मसाला अच्छी तरह से अंदर जाए, मैरिनेट अच्छी तरह से हो जाए। अभी चिकन में हम पहले नमक डालेंगे, उसके बाद ब्लैक पेपर, डार्क सोया सॉस 2 चम्मच, एक स्पून वाइट विनेगर। अभी चिकन को अच्छी तरह से मिला के आधे घंटे के लिए हम लोग रख देंगे रेस्ट के लिए। अभी आप देखेंगे चिकन हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है, तो अभी हम बनाने जाएंगे। कढ़ाई लीजिए, उसमें ऑयल डालिए 3 चम्मच, तेल को थोड़ा गर्म होने दे और फिर चिकन मैरिनेट किया हुआ डालिए। चिकन को 3 से 4 मिनट तक पकाइए। ये जो है हम चिकन डायरेक्ट डाल रहे हैं, उसको हमने डीप फ्राई नहीं किया है, इसीलिए पहले हम चिकन को रोस्ट करके ले रहे हैं। अभी आप देखेंगे चिकन का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, लग रहा है वो थोड़ा पक चुका है। आपको जैसे ही लगे चिकन पक गया है तो उसे आप अलग से निकाल के प्लेट में रख दीजिए। उसी कढ़ाई में थोड़ा 2 चम्मच और तेल डाल के हम लहसुन डालेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक जो हमने बारीक काट के रखी थी, चॉप करके रखी थी। अभी हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च जो हमने स्लाइस करके रखी थी,
दो मिनट इसको हम पकाएंगे हल्का सा, जैसे उसका थोड़ा फ्लेवर आए, थोड़ा खुशबू दिखे। अभी हम इसमें डालेंगे हरा प्याज, उसके बाद कांदा जो हमने क्यूब्स में कट करके रखा था वो भी अभी साथ में ही डालेंगे, और शिमला मिर्च जो हमने वो क्यूब्स में काटा था वो भी डालेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हमें बर मसाले के हिसाब से डालना है क्योंकि हमने चिकन में डाला हुआ है। उसके बाद इसमें डालेंगे काली मिर्च और इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। सबको हमें अच्छी तरह से मिलाना है। दो मिनट के लिए हम इन्हें सौते करेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच डार्क सोया सॉस और एक चम्मच विनेगर। अभी हम इसमें डालेंगे चिकन के पीसेस जो फ्राई करके रखे हुए हैं, इसको मसाले के साथ अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये हमें थिक ग्रेवी करना है तो इसीलिए हम इसमें सिर्फ एक कप पानी डालेंगे और मिला देंगे। अभी कॉर्नफ्लोर का गोल बनाना है हमें। कॉर्नफ्लोर का गोल बना के वो कॉर्नफ्लोर का गोल हम इसमें डालने वाले हैं। जस्ट कॉर्नफ्लोर के गोल को डाल के दो मिनट हमें पकाना है, जैसे वो गाढ़ा हो जाए, ग्रेवी थिक हो जाए और कॉर्नफ्लोर का कच्चापन निकल जाए। अभी आप देखेंगे ये थिक ग्रेवी हो गई है, कॉर्नफ्लोर का भी पानी पक चुका है, अच्छी तरह से चिकन बन गया है हमारा। अभी हम उसको प्रेजेंट करेंगे। आप चिकन को अभी प्लेट में निकालिए और गार्निशिंग के लिए हरा प्याज डालेंगे ऊपर से और पत्ता गोभी के साथ उसको सजाएंगे। ये हमारा बनके तैयार है ड्राई चिकन चिली।